और आपने जो कमेंट की बात की ना कभी कभी ऐसा भी होता है शजाद भाई अब तो मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल दूर कर दूँ इस चीज़ से और इसी वजह से मैं पढ़ता हूँ सारे के सारे लेकिन रिप्लाई नहीं करता ठीक है काफ़ी सारे फेसबुक पर तो पढ़ता भी नहीं हूँ मैं क्योंकि एक दो कॉमेंट तो ऐसे भी रहे हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे बहुत लंबे टाइम तक परेशान कर रखा है तानियाल कल मुझे ई आया कि मेरे जो वालद हैं वो आई सी यू में और मैं बाहर बैठा हूँ और मैं अंदर उनको कई दिनों से उनका ख्याल रख रहा हूँ आज मैंने बाहर बैठ के आपके और जरार की पॉडकास्ट सुनी और वो दो घंटे के लिए आई फेल्ट बिट बेटर सो जो लोग बोलते हैं ना यार कोई मैनेजर रख लो डोंट रीड ऑल द कामेंट्स ऐसी ईमेल्स और ऐसी बातें हैं विच इज वाई डू वट आई डू यस तो अगर दूसरा तो साइड की बात कर रहे हैं इस वक्त हम सर अगर ये यही नहीं होगा पैसा नहीं है जलालत है गालियाँ हैं ठीक है और काम मिलना बंद हो जाता है अगर खुल के आप कुछ बात कर दें ठीक है दोस्तियाँ ख़राब हो जाती हैं क्यों कर रहे हैं हम सब सब फैक्टर जो है ना यार उसको आप नार्सिजम बोल लें वैलिडेशन बोल लें अटेंशन सीख जो भी बोलते हैं भी यार बोलते अच्छा, हैं। अच्छा लगता है जब इस तरह की बात करता है कोई अच्छा लगता है जब बोलता है यार कि दिस इज़ वॉट आई स्ट्रगलिंग विद ये मैंने तुम्हारी बातें सुनी मैं मेंटल हेल्थ की बातें इसलिए नहीं करता कि लोग उसको वेपनाइज करके मेरे खिलाफ़ यूज़ करें वे आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस ओपनली फॉर सो लॉन्ग 2016 हज़ार सोलह में मैनाइटेड टॉक दी थी पेंटली पे जब इतनी बात नहीं हो रही थी अब जब मैं किसी पार्टी को भी तनकीद करूँ ना तो मुझे रिप्लाइस के आते हैं अभी तो सुसाइड कर लेगा अभी सुसाइडल है ये देख इसको मुझे पता है कि लोग ये बातें करेंगे मुझे पता है कि मैं अगर अपना ज़ख़म दिखाऊँ तो वो जिस तरह डब्ल्यू में नहीं होता कि जहाँ भी वो बैंडेज पहन के आ जाए उस पर ही उसको अटैक करते हैं आई आई नो दिस विल हैपन इसीलिए तो आप बात कर रहे हो क्योंकि आपको पता है इतनी हिम्मत आ गई यार बट आई ऑल्सो नो दैट देयर मिलियंस आउट देर हु फीलिंग द सेम एंड इवन इफ वन ऑफ देम ये आया यार किसी ने मैम समझ नहीं आया मैं पूरी रात जागा रहा किसी ने बोला यार कि आई वॉज ऑन द ब्रिंक एंड आई वॉज अबाउट टू एंड इट ऑल एंड आई हर्ड द पॉडकास्ट एंड नाउ आई आई एम डूइंग वेल एंड हैव दिस जॉब सो थैंक मैं ये कैसे क्वान्टिफाई कर लूँ जब लोग बोलते हैं भाई तूने क्या कर लिया अपनी ज़िंदगी में क्या उखाड़ लिया तूने मैं क्या वैल्यू डालूँ कि यार ये एक जिंदगी थी वो ख़त्म हो सकती थी वो नहीं हुई और मैंने कुछ नहीं किया ये अल्लाह ने किया कुदरत ने किया यूनिवर्स ने किया किसी तरह हो गया तो अब इसके बाद मैंने आई थिंक अपनी जिंदगी का जो लाइफ का पर्पस था वो तो जी लिया कि कुछ कर लिया मैंने देखता हूँ आप जो है वो पोस्ट कर रहे हो तो कंटिन्यूसली ठीक है आई लव इट मैं अक्सर व्यशतर यही ई मेल वाली बात हो हर कॉन्टेंट क्रिएटर इस बात से रिलेट कर सकता है कि ये एकदम जो हेट आ रही है हे, हेट आ रही है हे, हेट आ रही है ठीक है वो कम है लेकिन जो पैराग्राफ लोग लिख रहे हैं स्पेशली डी एम कर रहे हैं कोई ई मेल कर रहा है इवन दो अभी कुछ टाइम पुरानी बात है मैं ना आपको डनकी नोश पर था एक खातून मेरे बराबर में हिजाबी थी और मुझे मेरे बराबर में और उन्होंने बोला कि असलम दानियल भाई मैंने देखा एंड शी वॉज लुकिंग नाउ उन्होंने बोला कि मैं एक बहुत बुरे फेस से गुजरी थी अपनी ज़िंदगी में मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी वीडियोज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है उन्होंने मेरी बड़ी मदद की बहुत बहुत शुक्रिया मैं उनकी शक्ल नहीं देख पाया और वो फिर अपना सामान ले चुकी थी ऑलरेडी और वो ये कहकर चले गई और मैं ना मैंने उनको मैं उनको देख भी नहीं पाया और मैं स्टन यूँ खड़ा रहा कि एक कान में आवाज़ आती है और मुझे साइड से दिखता है कि कोई है और ये बोल कर गया है ना वो सो 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 हैप्पी कि मैं आपको बता नहीं सकता और ये एक बार नहीं हूँ शहजाद भाई आपको भी पता है mm -hmm. कि ये हमारे साथ होता रहता है और यही वजह है यही वजह है कि जिस बेसिस के ऊपर ना हम लगे रहते हैं इट्स के सो ब्यूटीफुल मैजिकल वेरी मैजिकल अलहमदी ये डेव शपैल ने एक दफ़ा बोला था कि माया एंजलो ने उसको बोला था कि वेन यू डोंट गो हंटिंग फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स दी इंसल्ट डोंट हर्ट यू एंड आई अग्री कि जब आप कुछ भी ना पढ़ें तो फिर कुछ किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा बट कहीं ना कहीं ना आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होते हैं तो अगर मैं अपने आप को नम कर दूं कि यार मैं अपना काम कर रहा हूँ पसंद आए ना आए चढ़ो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है वो दिल नहीं लगेगा उस काम में यार आपने ये बात पढ़ी और मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुनी है काफ़ी सारे मुख्तलिफ़ लोगों से कि जो आपके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है आप कॉम्प्लीमेंट की फिक्र नहीं करोगे तो फिर क्रिटिज्म की फिक्र नहीं करोगे ठीक है आई एग्री विद यू लेकिन मेरा नज़रिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है मुझे तो फर्क पड़ता है यार ठीक है अब कम फर्क पड़ता है उस नफरत से लेकिन अगर कोई मेरी तारीफ करता है ना तो मैं एक्चुअल में लेता हूँ यार थैंक यू बहुत अच्छी एडवाइस है हर कोई जो है ना इंडस्ट्री में स्पेशली मुझे तो सेम एडवाइस देता है क्या कि तू क्यों इतना जस्टिफाई करता है सबको हर कोई कुछ बोलेगा तू बोलेगा ये देखें एविडेंस कि मैंने नहीं किया तू पागल है एंड आई एम जस्ट लाइक नहीं पर ये कैसे हो सकता है कि कोई बोले तू झूठा है और तूने इस टाइम कुछ नहीं बोला था oh. जब मैंने बोला था okay. क्यों कैसे आप कैसे मुझे झूठा बोल सकते हैं यार वेन वेन लाइक इट्स ऑन रेकॉर्ड लाइक स्क्रीन शॉट मैं आपको दिखा सकता हूँ मैं अक्सर ऐसा होता तो हूँ इस टाइम तो तुमने तो कुछ मैं स्क्रीन शॉट निकाल के देता हूँ ये देखो सो इट इट लाइक दीज थिंग्स अफेक्ट मी लाइक जनरली कोई ये बोलते कि तू गालियाँ वालियाँ ये वो आई रियली होल्ड माई क्रेडिबिलिटी एंड माई ऑथेंटिसिटी आई कैन बी रॉन्ग आई कैन बी रॉन्ग अबाउट समथिंग बट आई एम ऑनस्ट अबाउट इट यार दिस इज वेर आई एम कमिंग फ्राम दिस इज वट माई ओपिनियन इज इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस तो वो जब आता है ना कि मतलब बहुत आसान है जब लोग कहते हैं तू इससे पैसे लेता है हम लाइक तू बता दे किससे मैं पैसे लेता हूँ और जब वो बोलते हैं और उसके बारे में मैं कुछ इस तरह की बात बोल देता हूँ कि यार दिस इज what आई फील अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ दैम अब बता दो वो इस बात के पैसे दे सकते हैं या किसी ने मेरे साथ ये किया उसने बोला भाई तू पी एम से पैसे लेता है मैंने मॉडल टाउन की बात की बोलता है नहीं तू पी, -पी, -पी से लेता है मैंने नाजिम झोंकि की बात भी? की हाँ हाँ उसने बोला नहीं तू तो असल में अमेरिका से लेता है मैंने फिर बात की वारन इराक की इसराइल की तो नीचे उसने बोला हाँ तेरी शक्ल ही ऐसी है तुझे पैसे कौन थे तो देर इज नो विनिंग बट uh, मैं तो अपना केस <laughs> रख दिया ना सामने पूरा केस रख दिया सो so, जब लोग इस तरह की बातें करते हैं तो बिका है। माई द रीजन आई आस दम इज ओके इज देर एनी थिंग आई से दैट कैन कन्विंस यू अदरवाइज ठीक है ना मुझे पता है यार के मैं बोलूँ दानियाल बाहर जो है ना कोई खड़ा देख रहा है तुम दरवाजा खोलो कोई ना हो तो मुझे यकीन आ गया नहीं है। इफ देर इज नथिंग दैट आई से सेच विल मेक यू थिंक अदरवाइज then यू हैव एन irrational बिलीव दैट आई कैन डू nothing from. फ्रॉम इफ़ यू बिलीव कि जी ये इसने इससे पैसे खाएं और ये वही लोग बोलते हैं जो खुद बिकते हैं आप आप बिकने के लिए तैयार हो और डेस्परेट हो इसलिए आपको लगता है ना सब बिके हुए हैं अगर आपके दिमाग में एक बैरियर है कि यार मुझे लगता है कि अच्छा सदाज पी टी आई की ज़्यादा बात करें पी एम एल एन की नहीं कर रहा शायद उसे पैसे लिए फिर मैं एक पी एम एल एन की तनकीद करूँ जिससे आपको यकीन हो जाए